गाइस कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग गाइस। रोज की तरह आज भी अपन मोवा बिनने आए हुए हैं, लेकिन आज एक नुकसान हो चुका है यार, क्योंकि अपना एक मोवा पेड़ गिर चुका है। तो गाइस उसी का वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे में काफ़ी मोवा पेड़ है, और कोई मोवा पेड़ का नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ एक मोवा पेड़ गिरा हुआ है, क्योंकि कल शाम के बहुत ही आंधी तूफान आया हुआ है और हल्का हल्का बारिश भी हुआ है। ये मोवे का पेड़ गिर गया है, शायद थोड़ा सा जड़ में मजबूती नहीं थी, इसी वजह से मोवे का पेड़ नीचे की ओर गिर गया। तो गाइस मैं आज आपको वही वीडियो दिखाने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। तो जो मोवा पेड़ ज़्यादा गिरता था, वही मोवे का पेड़ गिर गया है गाइस, बहुत ही नुकसान हो गया यार। अब देख सकते हो अपन रोज की तरह आज भी आए हुए थे सुबह सुबह मोवा बिनने के लिए, पर देखें कि एक पेड़ गिरा हुआ है, वो भी पूरी जड़ सहित पूरा का पूरा पेड़ नीचे गिर गया है। तो बहुत ही नुकसान हो चुका है, आप समझ सकते हो। मोवे का पेड़ से ही डबल फसल होता है गाइस। तो आपको मैं अभी बैक कैमरा से दिखाता हूँ, तो आप देखिए। ये देख सकते हो गाइस चारों ओर का नज़ारा, सभी पेड़ सुरक्षित दिख रहे हैं, सिर्फ एक पेड़ गिरा हुआ है। अभी मैं आपको पास में ले जाके दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो पूरा जड़ सहित नीचे गिर चुका है गाइस, देखिए काफ़ी नुकसान हो चुका है। ये आप देख सकते हो अभी भी मोए का पेड़ लगा हुआ है पेड़ में, पेड़ पूरी तरह से ज़मीन में गिर चुका है गाइस, देख सकते हो। काफ़ी संख्या में खलियाँ यहाँ पर बनी हुई थी, इससे पहले काफ़ी संख्या में मोआ गिर रहा था, आप देख सकते हो पूरा पेड़ नीचे गिर चुका है और काफ़ी नुकसान हो चुका है गाइस, देख सकते हो। कल आंधी और तूफान आने के वजह से ही पेड़ नीचे गिर गया और पूरी पेड़ सहित उखड़ गया, देख सकते हो यहाँ पर नीचे में लदा हुआ है। अभी कुछ काम नहीं कर सकते, इसको सिर्फ लकड़ी का उपयोग करेंगे, या आप देख सकते हो इस प्रकार से टूट के नीचे गिर चुका है गाइस, देख सकते हो।